हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड। इसके पहले हम आयनिक सॉलिड और मॉलिकुलर सॉलिड की बात कर चुके हैं कि कितने टाइप होते हैं क्रिस्टलाइन के। तो चार टाइप थे, आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड और अब रेस्ट ऑफ द टू पार्ट रह गए हैं इसके। पहला हमारा है कोवेलेंट और दूसरा हमारा है मेटालिक सॉलिड। तो नाउ लेट्स वी सी व्हाट हैपेंड इन एंड वॉट टाइप ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। अब जब ये नॉन मेटल्स हैं तो इनमें इंटरेक्शन एज अ नॉन मेटल होता है। जो नॉन मेटल होते हैं वे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक के इंसुलेटर होते हैं। और जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो भी एज ए इंसुलेटर वर्क करती है। तो लेट्स वी सी कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो दोस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट मीन कि कैसे पार्टिकल इसको बनाते हैं, दैट मीन कि बनाने वाले पार्टिकल्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। तो आर नॉन मेटल्स। तो जो ये पार्टिकल्स बनते हैं ये नॉन मेटल्स के होते हैं। एटम्स लिंकेड टू एडजेसेंट एटम कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द क्रिस्टल। थ्रू आउट द क्रिस्टल जो एटम बॉन्डेड होते हैं वो कोवेलेंटली बाउंडेड होते हैं और जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो एडजेसेंट होता है। दैट मीन कि इधर और उधर साइड में जो अगल बगल में जो दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जो आपस में ये मिलके बनाते हैं। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर ये शोन करते हैं, कोवेलेंट स्ट्रक्चर शोन करते हैं। हेंस वी से दैट कि दीज आर द कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से कोवेलेंट सॉलिड भी बोलते हैं और कोवेलेंट का इस टाइप का स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द कोवेलेंट बॉन्डिंग नेटवर्क, दीज आर कॉल्ड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दे आर इंसुलेटर एंड डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब इंसुलेटर है तो कंडक्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। नॉन मेटल क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मल्टी पॉइंट। अब ये नॉन कंडक्टर हैं, दैट मीन कि इंसुलेटर हैं, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। दैट मीन कि एक्सट्रीमली हाई मल्टी पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। और क्या होते हैं? डिकम्पोज मेल्टिंग बिफोर मेल्टिंग ये क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं नॉन मेटल्स। अब एक्सेप्शन इसमें दो टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल में लेंगे तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो अब एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में भरा पड़ा हुआ है। तो एक्सेप्शन ये निकल के आता है कि अगर डायमंड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो डायमंड स्ट्रक्चर जो शोन करता है वो क्या है? इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और ग्रेफाइट कंडक्ट करती है, क्यों? तो रीजन क्या है कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन जब आपस में जुड़ते हैं तो इनमें से दो बॉन्डेड, दैट मीन कि नियरली थ्री कार्बन तो बॉन्डेड हो जाते हैं दूसरे से, एक कार्बन का जो एटम है वो फ्री रह जाता है। दैट मीन कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है। अब एक कार्बन एटम वहां फ्री टू मूव है तो उसी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन के वजह से ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर बोले जाते हैं ग्रेफाइट। डायमंड में ऐसा नहीं है, ये क्या होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन डायमंड कार्बन टू कार्बन आर 154 पीएम, जबकि इसमें ग्रेफाइट में हम देखेंगे तो कितना होता है, 141 पार्ट पर मिलियन होता है। दैट मीन कि पीएम में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये 154 होती है। तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड का है, ये स्ट्रक्चर डायमंड का है और ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। तो इसमें क्या है, फ्री टू मूव। एक यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, ये क्या होता है, एक कार्बन यहाँ पे फ्री हो जाता है। इस वजह से ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं, गुड कंडक्टर भी होते हैं और साथ ही साथ कार्बन टू कार्बन बाउंडेड कोवेलेंटली बाउंड के वजह से ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इस वजह से इनका इस्तेमाल लुब्रिकेंट में किया जाता है, किसका, ग्रेफाइट का। अब आते हैं हम, हमारा जो सॉलिड है चौथा मेटलिक सॉलिड। अब मेटलिक सॉलिड किसको हम बोलते हैं, क्या होता है?
तो वो देख लीजिए कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज है मेटल आयंस। अब ये नॉन मेटल के थे, ये क्या होते हैं मेटलिक सॉलिड, क्या होते हैं मेटल्स आयन होते हैं, मेटल्स आयन दैट मीन मेटल के जो आयन प्रेजेंट होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पे क्या होते हैं कैरी किए हुए थे, कैरी किए हुए होते हैं। यहां से ये देखिए ये पॉजिटिवली चार्जेड है और इसपे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर शोन है। ये मेटलिक सॉलिड पॉजिटिव आयंस इन ई सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन कि ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट का सी मॉडल है जिसपे हम क्या होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। दैट मीन कि यहाँ पे ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो दे आर पोसेस द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड इनमें थर्मल और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोथ प्रेजेंट होती है। एंड दिस इज बिकॉज अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल करेंट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड पॉजिटिवली चार्जेड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इसी वजह से क्या होती है करंट फ्लो होती है। एज द पॉजिटिव आयंस आर क्लोजली पैक्ड मोस्ट ऑफ द मेटल्स पोसेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, दैट मीन कि एक तरीके से बोलेंगे वेरी हाई कंडीशन में होते हैं। इस पैकिंग एफिशियंसी जो इनकी होती है बहुत ही क्लोज होती है, मेटल जो आयन होते हैं यहाँ पे देख लीजिए पैकिंग किस तरीके से की गई है, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मेटलिक सॉलिड पॉजिटिव आयंस आर इन सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं। नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट सेल। लैटिस क्या होता है वो देखते हैं। तो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशनल, दैट मीन कि जो इनका अरेंजमेंट होगा रेगुलर जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा थ्री डायमेंशनल होगा। थ्री डायमेंशनल कहने का मीन्स है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस और लैटिस पॉइंट। थ्री डी डायमेंशन होने की वजह से क्या होता है इनका लैट जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है। जैसे हम सपोज करें कि किसी ने हमें लड्डू दिए कि डिब्बे में भरो, तो अब उसमें एक सीधी लाइन भरें और वो एक उसके बीच में रखें तो क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है इंक्रीज करती है। कैसे वो देख लीजिए, लेट्स बी सी हियर कि यहाँ पे ये पॉइंट सोन है इस टाइप से, ये क्या है थ्री जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इस तरीके से क्या है प्रेजेंट है। किस तरीके से प्रेजेंट है रेगुलर फैशन में है, रेगुलर फैशन में होने की वजह से और साथ ही साथ कि अब हम इन्हें रेगुलर में एक लाइन में इस तरीके से पॉइंट्स दिखा दे रहे हैं तो इस पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं लैटिस, क्या बोलते हैं लैटिस और साथ ही साथ हम इसको भी बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम होगा इस टाइप से, अगर एटम हुआ तो ये एटम है तो इसका ये क्या होता है सेंटर पॉइंट होता है। तो वी कैन से दैट कि ये क्या है ये जो पॉइंट है इसको ही हम क्या बोलते हैं लैटिस बोलते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल इज कॉल्ड लैटिस और लैटिस पॉइंट। तो यहां पे अब इसको हम अरेंज करते हैं रेगुलर फैशन में तो हमें सोन जो मिलता है इसे ही हम क्या बोलते हैं लैटिस बोलते हैं, दिस इज वेरी यूनिक। और सेकेंड आप जो हमें लैटिस पता चल गया तो यूनिट सेल क्या होती है, तो यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट थ्री डी यूनिट। जैसे आपका घर किसका बना है ईंट का बना है तो ईंट क्या है यूनिट है, ईंट पे ईंट ईंट पे ईंट ईंट पे ईंट जोड़ते चले जाते हैं तो पूरा एक वॉल बन जाती है दीवार बन जाती है। तो वो क्या है एक रेगुलर अरेंजमेंट है किसका ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स यहां क्या है यूनिट है यूनिट ऑफ वॉल है। तो यहां पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ थ्री डी होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ थ्री डी इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब विच इज फॉर्म आफ्टर रेपिटेशन, विच इज रिफॉर्म आफ्टर रेपिटेशन, दैट्स मीन क्या है कि हम क्या करते जाते हैं रेपिटेशन जैसे जैसे अलाउ करते जाते हैं तो वो फिर क्या होता है एक दीवार जैसा हमारा मेड हो जाएगा। हाउ इट कैन बी फॉर्म देख लीजिए
कि हमने इस तरीके से अरेंजमेंट किया, फिर क्या किया, छोटा एक इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक और इन दोनों के बीच में एक, ठीक इसी तरीके से फिर पैटर्न को फॉलो किया। तो अब यहां से देखिए इसको हम मेड अबाउट करेंगे, इसको मिला देंगे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर शोन हुआ। अब इसको हम ठीक इससे नीचे वाले से क्या किए, मिला दिए। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे और इसको यहां से मिला दिए। अब इसको यहां से हमने मिला दिया है, ये स्ट्रक्चर जो हमारा थ्री डायमेंशनल हो गया, ये हमारी एक ब्रिक्स हो गई। अब सेकंड देखेंगे, तो अब ये हो गया हमारा यूनिट सेल। अब इसी के साथ में अगर हम क्या किए, फिर ऐड करें ठीक इसी तरीके से, फिर से हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारी दूसरी ब्रिक्स रेडी हो गई यहां से। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो अब यूनिट सेल हम देखते हैं, तो यूनिट सेल मोस्टली